हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो ये जो वीडियो है ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए स्पेशली है जो अब इंटर में आ रहे हैं, क्योंकि जो इंटर में निकल गए हैं तो वो तो अब पेपर दे चुके हैं। ठीक, तो एकदम से जो है वो परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है बोर्ड परीक्षा की मैथमेटिक्स की। जैसे कि अभी तक क्या होता था कि जो फिफ्थ पार्ट होता था और जो सिक्स पार्ट होता था उसमें ऑप्शनल हमें मिलते थे, ऑप्शन मिलता था, लेकिन एकदम से जो है वो उसमें चेंज हो गया। जो यूपीएमएससी की साइट है उस पे जो मॉडल पेपर दिए गए थे उस वो दिए ऐसे ही गए थे, यानी उसमें भी ऑप्शन नहीं थे। लेकिन ऐसा पिछले साल भी था, यानी जो पिछले साल यूपीएमएससी की साइट पे पेपर का मॉडल दिया गया था उसमें भी ऐसे ही था कि फिफ्थ और सिक्स वाले पार्ट में ऑप्शन नहीं थे, लेकिन जब बोर्ड परीक्षा का पेपर आया तो वहां पर ऑप्शन थे। तो ये बगैर किसी जानकारी के एकदम से चेंज कर दिया गया और इस वजह से कुछ ना कुछ समस्या का सामना बच्चों को जरूर करना पड़ा होगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अब जो नया पैटर्न है, यानी जो फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं जो अब एनुअल की परीक्षा देने जा रहे हैं उनकी परीक्षा भी उसी पैटर्न पे होगी। ठीक, और नेक्स्ट ईयर यानी इंटर में जब आएंगे तो पूरी परीक्षा यानी जो हाफ ईयरली होती है, प्री बोर्ड होती है और जो बोर्ड एग्जाम होता है वो उसी पैटर्न पे होगा। तो पैटर्न को जरूर सभी बच्चे देख लें ताकि जो एनुअल की परीक्षा देने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे उनको कोई समस्या ना हो और आसानी से वो पेपर को समझ पाए। दूसरी चीज, सभी लोग अब इंटर में आने वाले हैं। भाई आज 1 मार्च है, 1 महीने बाद इंटर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तैयारी आप सबको शुरुआत से ही करनी है इंटर की, और हमेशा जो भी पेपर हो उनको एक बार घर पे जाके दोबारा जरूर तैयार करें। भले आप उस समय पेपर में ना लगा पाए हो लेकिन आगे जरूर लगा लें। अभी जो बच्चों ने एग्जाम दिया है इंटरमीडिएट की, जो 27 तारीख को पेपर था, जो प्री बोर्ड का पेपर उनका आया था 50 नंबर के क्वेश्चन उसी पेपर से थे। कुछ क्वेश्चन हूबहू वही डिजिट के थे, कुछ क्वेश्चन डिजिट केवल चेंज कर दी गई थी। ठीक, आप भी इसको देख सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि ऐसा पेपर आ गया जो पढ़ा नहीं, तो भैया ऐसा कोई पेपर था नहीं। एक तो क्वेश्चन तो देखो हमेशा ऐसे मिलेंगे, तो भाई पढ़ना तो हर चीज पड़ती है, लेकिन 50 नंबर का क्वेश्चन हमारे प्री बोर्ड से था और जितनी भी हमने सीट दी थी उससे क्वेश्चन थे। अब भाई एक तो क्वेश्चन तो अलग बात होती है, लेकिन बाकी तो मोस्टली पढ़ा हुआ था। तो ये तो पेपर देने के बाद जब अच्छा नहीं होता है तो सब यही कहते हैं कि पढ़ा हुआ नहीं मिला। कोई ये भी तो कहे कि हाँ ये कल पढ़ाया था वो मिला, तो ये कोई नहीं कहता है। कोई बात नहीं, ये तो उनका मन जानता है कि उन्होंने खुद तैयारी नहीं करी, उन्होंने खुद पढ़ाई नहीं करी है, इसलिए वो अपना दोषारोपण दूसरे पे कर दे रहे हैं कि हमने पढ़ा हुआ नहीं मिला, पेपर बहुत कठिन आ गया। भैया पेपर एवरेज था, ना बहुत कठिन था ना बहुत सरल था। ठीक, मेहनत करने वाले बच्चों के लिए कोई चीज कठिन नहीं होती है, और ना मेहनत करने वालों के लिए उनको हलवा भी दे दो तो वो भी कहेंगे यार ये तो अभी बहुत गर्म है कैसे खाएं। अरे इंतजार करो, खाओ। तो चलो हम लोग पेपर का पैटर्न देखते हैं कि आखिर पैटर्न हमारा क्या हो गया है। तो जैसे पहला क्वेश्चन होता था वो हमारा क्या होता है ऑब्जेक्टिव, यानी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, यानी हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का हमारा होता है। ठीक है, तो समझते चले सभी लोग ध्यान से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा होता है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, यानी सॉल्व करने वाला होता है। ठीक, क्वेश्चन 5 ही होते हैं और उसमें भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक, थर्ड ये क्या होता है, ये भी हमारे क्वेश्चन जो है इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, और हमें चारों करने होते हैं, यहां पर 2 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें भी 4 क्वेश्चन होते हैं और सारे क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, यानी पहला दूसरा क्वेश्चन एक जैसा होता है, बस अंतर इतना होता है कि ये ऑब्जेक्टिव होता है और ये रिटर्न वाला होता है, इसमें रिटर्न करके दिखाना पड़ता है।
थर्ड नंबर में चार ही क्वेश्चन होते हैं, चारों करने होते हैं, दो नंबर का एक क्वेश्चन होता है और सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर छह, बस यहीं पर बदलाव हो गया है। अभी तक क्या होता था कि छह क्वेश्चन होते थे, उसमें से कोई पांच क्वेश्चन जो है वो हमें करने होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। अब इसमें पांच क्वेश्चन होंगे और पांचों करने पड़ेंगे, इसमें भी पांच क्वेश्चन होंगे और पांचों करने पड़ेंगे। और ये जो क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, इसमें भी सेम वही होता है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो चेंजिंग यहीं पर आ गई है। अभी तक क्या होता था, छह क्वेश्चन होते थे, एक छोड़ना होता था, पांच करने होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। अब पांच ही क्वेश्चन होंगे, पांचों करने होंगे, च्वाइस खत्म। यानी कुल मिला के थोड़ा सा अब हमारा और टफ हो गया। अभी तक क्या होता था, हम एक क्वेश्चन छोड़ सकते थे जो नहीं आता था, अब नहीं आता तो छोड़ ही दोगे, यानी उसके मार्क्स भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ये तीन क्वेश्चन हमारे लॉन्ग होते हैं, इसमें जैसा था वैसे ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी इसमें कितने क्वेश्चन होंगे हमारे, दो क्वेश्चन होंगे, लेकिन करना हमें एक ही क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का। इसमें भी दो ही क्वेश्चन होंगे, एक करना होगा, ठीक, और 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसमें भी दो ही क्वेश्चन होंगे, एक करना होगा और इसमें भी 8 नंबर का होगा। इस तरीके से 100 नंबर का पेपर हमारा कंप्लीट होगा। आई बात समझ में? तो ये पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है, यानी ये 5th और 6th वाले में चेंज हो गया है। यानी अब 5th और 6th वाले में कोई भी हमको च्वाइस नहीं मिली है, अब 5 के 5 क्वेश्चन में लगाने होंगे। यानी अब थोड़ा सा स्तर हमारा और कठिन हो गया है, लेकिन अगर हम तैयारी करेंगे अच्छी तो बहुत अच्छा पेपर हमें मिलता है। वो कहने वालों के बात पर ना जाते, जो अच्छे बच्चे हैं उनसे पता करें, उनसे पूछें, जिनको हम कुछ नहीं आता है, जो पढ़ते नहीं साल भर तक, वो तो हमेशा यही कहेंगे कि पेपर बहुत कठिन है, ठीक, हमारे मार्क्स काट लिए गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ने वालों के लिए कोई चीज़ कठिन नहीं होती है, ठीक। तो पेपर बहुत ही आसान आया था, यानी एवरेज आया था, और आगे भी ऐसे ही पेपर मिलेगा। और कुछ क्वेश्चन तो भैया हमेशा ऐसे रहते हैं, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि फोकस करो कॉन्सेप्ट पे, कभी क्वेश्चन को मत रटो। क्वेश्चन रटोगे तो पर्टिकुलर वही कर पाओगे, कॉन्सेप्ट तैयार करोगे तो चाहे जैसा क्वेश्चन आए। जैसे क्वेश्चन आया था प्रॉबिबिलिटी का, जो हमने मैराथन क्लास एक दिन पहले करी थी, उसमें सेम वैसे क्वेश्चन कराया था। बस अंतर ये था कि वहां पर बात की जा रही थी एक परिवार में दो बच्चे, और जो क्वेश्चन आया था 8 नंबर का, उसमें बात की जा रही थी एक परिवार में 3 बच्चे, बस इतना अंतर था केवल, कॉन्सेप्ट एक ही था। इसी तरीके से जो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन हर साल पूछे जाते थे, इस बार दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन वो मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी थी, और जो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है लिमिट को ब्रेक करने की, उस पर डिपेंड वो क्वेश्चन पूछा गया। इस तरीके के 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में थे, वो क्वेश्चन नहीं था लेकिन उसके जैसे 3 क्वेश्चन थे। इसका मतलब यही है कि हमें हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए। तो जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे एनुअल का पेपर देने जा रहे हैं, वो इसी पैटर्न की तैयारी करेंगे, इसी पैटर्न पे उनकी परीक्षा होगी। और नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी एक महीने बाद जब इंटर की क्लासेस स्टार्ट होगी, तो वो शुरुआत से ही उसमें लगे, ये ना सोचें कि हम जुलाई में पढ़ेंगे, उस शुरुआत से ही 1 अप्रैल से ही पढ़ाई चालू कर दें और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब सोचो जो इस साल इंटर में बच्चे थे उनको कितने दिन परीक्षा पढ़ने को मिले, केवल 5 महीने उन्होंने सही से पढ़ाई कर पाई, यानी 5 महीने में उनको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के रिवीजन भी करा दिया, और उनका उन्होंने तो बोर्ड एग्जाम भी कभी नहीं दिया था हाई स्कूल में, और उनकी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई भी सही से नहीं हो पाई थी। तो जो इस समय फर्स्ट ईयर में, वो तो बहुत लकी है भाई, उन्होंने हाई स्कूल का एग्जाम भी दिया है, फर्स्ट ईयर की पढ़ाई भी अच्छी तरह से की है, तो इंटर में उनको कोई समस्या फिर नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। तो बिल्कुल लग जाए, पहला जो ये हमारा एनुअल है उसको निपटाएं, एनुअल निपटाने के बाद पूरी तरीके से फोकस करें इंटरमीडिएट पे। फिर ये ना सोचें कि अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम जुलाई में पढ़ेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई सब पढ़ना है, छुट्टियां बिल्कुल मत मनाओ। छुट्टी मनाओगे तो जितना अप्रैल मई में पढ़ोगे वो सब छुट्टी में चला जाएगा, ठीक है। अगर तैयारी 100 नंबर की करनी है तो अप्रैल से ही स्टार्टिंग करनी है, बिल्कुल तन मन से लग के काम करना है, ये नहीं कि छुट्टी में जो है वो भाग जाओ, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, उनके जो अभी एनुअल एग्जाम होने वाले हैं, और सभी लोग तैयारी करते रहें। जो भी फर्स्ट ईयर की क्लास का मैटर है प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें
जो भी चैप्टर पढ़ना है उसमें जो भी वीडियो है उनको पढ़े। अगर पर्टिकुलर किसी टॉपिक में समस्या आती है तो कमेंट करके बताएं, उस टॉपिक में वीडियो जो है वो अपलोड कर देंगे। ओके।